सो है गाइस फाइनली एक न्यू ब्लॉग एंड अभी फिलहाल हमारा जो सफ़र था जो स्टार्ट हो चुका था एंड अक्सर हमेशा की बात है ब्लॉग पूरा शूट हो जाता है उसके बाद जो इंट्रो होता है स्टार्टिंग होती है वो मैं हमेशा ऐसी करता हूँ मतलब भूल जाता हूँ स्टार्टिंग में ही। तो ब्लॉग काफ़ी हो चुका था उसके बाद में यहाँ पहुँचे उसके बाद में ये हमारा इंट्रो शूट कर रहा हूँ मैं पहुँचने के बाद दो दिन बाद हो गया अभी फिलहाल। सो इस वजह से थोड़ा भूल जाता यार हर दफ़ा की बात है कोई नहीं नई बात नहीं मेरे लिए। तो पहले जाओ आप लोग ब्लॉग देखो एंड ब्लॉग देख के मुझे बताओ कैसा था मतलब इतना कुछ ज़्यादा तो नहीं है ब्लॉग में थोड़ा ही छोटा सा ही है एंड जो हमारी स्टार्टिंग की जर्नी वगैरह थी जो हम लोग गए थे सफ़र वगैरह और ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि जिसके वजह से हमको कुछ करने को मिला नहीं उस टाइम। तो आप लोग को देखो एंड उसके बाद मिलते हैं हम लोग आगे फिर बात करेंगे उसका जो भी होगा। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके अभी स्टेशन पर एंड देखते हैं अभी लड़की हमारे ट्रेन आने वाली थोड़ी देर में उससे निकले गए और अभी छोड़ने के लिए हमारे राहिल भाई आए थे और शाहिद भी जो ये लोग छोड़ेंगे फिर अपने ट्रेन में देखते हैं अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे जो भी होगा। फिलहाल हमारे ट्रेन का अनाउंसमेंट हो चुका है और यहाँ का फोटो शूट चालू हो गया करे ट्रेन में जाने बैठे अभी अरे बहुत बहुत लेट हो गया था हम भाई अल्लाह का शुक्र गाड़ी लेट हो गई थी तो इस वजह से हम टाइम से पहुँच गए हमारी जगह पे एंड हमारा सफर थोड़ी देर में कंटिन्यू करते हैं मिलते आगे देखते जगह जब सा होगा वैसा ब्लॉक करेंगे ज़्यादा रात हो गई तो मैं कह रही फिर दूसरे दिन का कर लेंगे थोड़ा बहुत शूट जैसा भी होगा। सो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ब्लॉग में एंड अभी जाने वाले हम काफ़ी लंबा सफर है सो मिलते आगे। तू चल रही जान की तो छोड़ दे भाई हाँ छोड़ दे कोई चल रहा तू भी चल ठीक है। The next day. So guys फाइनल जी उतर चुके हैं गाड़ी से और बज रहे सुबह के पाँच पाँच तो बज गए है ना हाँ तो सुबह के बज रहे पाँच और गाड़ी में सुबह से ब्लॉग नहीं किया मैंने कहते नहीं जगह कुछ भी जगह नहीं थी पूरी तरह से फंसे हुए थे हम लोग एंड किसी तरह जैसे जैसे बस पहुँच गए यहाँ पे। सो यहाँ पहुँचने के बाद हम लोगों ने सोचा ब्लॉग कंटिन्यू कर लेते अपना एंड इस वजह से ब्लॉग स्टार्ट किया है अभी स्टेशन पर खड़े अभी थोड़ी देर पहले उतरे और मुँह हाथ वगैरह धोया तो बहुत ख़राब हाल हो गया अभी बहुत थक चुके हैं। सो अभी देखते हैं कौन लेने आता है कोई लेने आएगा लेट्स सी फिर देखते क्या सीन होगा अभी बाहर चलते नाश्ता वास्ता करते उसके बाद में देखते क्या सीन होने वाला है ये बाल कहाँ फंस गया मेरे। सो बाल भी सारे ऐसे तेजी हो गए बालों की भी तो ठीक है लेट्स सी देखते क्या सीन होता है अभी चलते बाहर नाश्ता वगैरह करते फिर मिलते हैं जो क्या बोले। सो फिलहाल अभी स्टेशन के बाहर है देखते चाय वगैरह पीते कहीं मिलेगी तो अभी तो फिलहाल सब दुकानें बंद लग रही है मुझे तो भैया कोल्ड ड्रिंक पीना है अभी सुबह ही सुबह ठंडी शील्ड होना चाहिए मस्त चाहिए पानी भी नहीं है पानी भी लेना पड़ेगा कहीं दुकान खुली होगी तो फिर देखते आगे और लेने को आएंगा ही पता चल जाएगा। तो मिलते हैं अभी बाद में एंड सब घर पर उसके बाद में देखते क्या सीन होने वाला है। सो गाइस फाइनल आ चुके हैं लेने के लिए और अब जा रहे हैं हम लोग घर घर जाके मिलते हैं और इन लोगों ने भाई बहुत टाइम कर दिया इनसे बाइक ड्राइव नहीं हो रही थी तो हम ही ड्राइव करेंगे अब करेगा कह रही अब हम ड्राइव कर लेंगे एंड फटाफट से घर पहुँचते बहुत थक चुके जाते फ्रेश वगैरह हो गए और मस्त सो गए उसके आदमी जो भी होगा वो ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे फिर चलते घर मिला तो आप लोगों से। फाइनली आप लोगों ने प्रॉब्लम देख लिया होगा एंड ब्लॉग देख लिया तो मैंने बता दें कैसा लगा तो क्योंकि जो अभी हमारा एंडिंग वगैरह थी वो काफ़ी टाइम बाद शूट कर रहा हूँ एंड पूरा ब्लॉग हो गया था और जो इंट्रो भी था वो भी अभी शूट किया थोड़ी देर पहले बताया आपकी जैसे। सो अभी ब्लॉग शूट किया एडिटिंग वगैरह करते टाइम मेरे को याद आया कि मैंने इंट्रो शूट ही नहीं किया हर दफ़ा ऐसे हो जाता है। सो आप लोग तो इस वजह अभी शूट किया हूँ एंड उसको अभी एडिट वगैरह करें
फिर आप लोगों ने ब्लॉग फाइनल देख लिया हो पूरा, बताया कमेंट बॉक्स में, कमेंट के सेक्शन में कैसा लगा। तो आज इतना ही ब्लॉग था एंड हम लोग वहाँ पहुँचे घर, घर पहुँचना चाहते थक चुके थे बहुत, और जो ट्रेन में जगह वगैरह कुछ नहीं थी, बहुत कम जगह थी, जब जैसे तैसे हम पहुँच गए बस वही बात था। सो और दूसरे भाई की बारात भी थी, कुछ ज़्यादा शूट वगैरह हुआ नहीं एंड ब्लॉग वगैरह कुछ कंटिन्यू कर नहीं पाए थे हम लोग। सो इस वाले ब्लॉग में तो नहीं, एंड नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है जो काफ़ी मस्त होगा। सो इस वाले ब्लॉग को कर देंगे बैंड, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में किसी के। तो तब तक के लिए बाय।